पूरा पूरा तो नहीं है वो स्टिल। इट्स अ विमेन ओरिएंटेड फिल्म, और जैसा कि आजकल हमारे पॉलिटिशियंस भी सारे लड़कियों की इज्जत और महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात कर रहे हैं, ये फिल्म कुछ उसी पे बेस्ड है। और जो मेरा इस फिल्म में कैरेक्टर है, मैं जिनके साथ गलत अत्याचार हुआ है और जिनको अपने राइट्स नहीं पता है, काफ़ी महिलाओं को जो गांव में रहती है उनको अपने राइट्स नहीं मालूम होते हैं, तो उनको जागरूक करना ये है मेरा किरदार इस फिल्म में। और थोड़ा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेरे डबल शेड है, ज़रूरत पड़ने पे मैं उस रूप को भी लेती हूँ कुछ लोगों को समझाने के लिए। तो इट्स अ गुड मूवी विद अ गुड मैसेज, तो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। अरे नहीं, ये कहना चाहूँगा कि देखिए महिला तो हर क्षेत्र में आगे हैं, मतलब लेकिन इनसिक्योरिटी की असुरक्षा की बात होती है। हाल ही में कहना जहरा वसीम का जो केस था ट्रेन में छेड़खानी में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के केस के बारे में कि आज भी असुरक्षित है महिला और वो भी इतनी खुलेआम होता है, तो किस तरह से इस तरह के जो हालात को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? जी, मैं तो ये कहूँगी कि जब ऐसा हुआ एक ट्रेन में, तो कॉमन सी बात है, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की और वहाँ पे सिर्फ उतने ही लड़के होंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया। जो देखने वाले हैं या जिन्होंने देख के अवॉइड किया, मैं तो उनको भी गलत मानती हूँ कि अगर वो एक कोई एक भी उसमें से पहल करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो कोई भी लड़की कुछ गलत होने से पहले अगर आवाज़ किसी को दे तो लोग समझते हैं यार ये हटाओ कौन लफड़े में पड़ेगा। सॉरी, तो मेरी नज़र में गलत वो लोग भी हैं जो लोग ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है और किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं जाते, तो वो जागरूक होने ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पर्सन होता है, दो लोग जो हैं वो हैं, जो थर्ड पर्सन देख के अवॉइड कर देता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे आवाज़ उठाएगा तो एक आदमी की जगह 10 आदमी आ जाएंगे और शायद कुछ हद तक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी लोग, ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता नहीं चलता है, कोई ना कोई देखता है, कोई ना कोई को लगता भी है यार कुछ तो है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। तो एटलीस्ट प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा संदेह होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और हमारी हेल्प से किसी को कुछ अच्छा हो सकता है, तो एटलीस्ट आप, अगर आपको डर लगता है तो आप 4 लोगों को कॉल करके बुला लीजिए। आजकल सोशल मीडिया, आजकल इतने सारे नंबर्स हैं, इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं, आप खुद जाने में डर रहे तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं 4 लोगों को, वहाँ पे बुला सकते हैं और अगले की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कलाकार होने के नाते जब भी सही करते हैं उसकी, जैसे ज़ारा वसीम केस में ये हुआ कि हर कोई पब्लिसिटी कहता है कि हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए कलाकार करते हैं, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं कहाँ तक गलत मानते हैं? अब अपनी इज्जत देख के पब्लिसिटी पाना वो मुझे सही नहीं लगता है, कि अगर इस चीज़ के लिए भी बोले कि किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे आ जाए और उसको लोग पब्लिसिटी कहें तो गलत बात होती है। क्योंकि फिल्मों में काम करना, फिल्मों में छोटे कपड़े पहनने, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम सिर्फ पर्दे तक ही करते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपने किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे छोटे कपड़े में घूमते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा काम है, हमारी इंडस्ट्री, हमें काम करना पड़ता है तो हम पहनते हैं, वो हमारा सिर्फ वर्क मोड है। जब 9 से 9 की शिफ्ट में हाँ अंजना सिंह ने ये पहना, अंजना सिंह उतार के अपने जैसे नॉर्मल सारी लड़कियाँ रहती वैसे ही रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि कोई अपनी ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा इन अपना पब्लिश होने के लिए। तो आप कितना सुरक्षित, अभी कितना माहौल कितना अच्छा समझते हैं इंडस्ट्री की अगर बात करें, भोजपुर इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की आमतौर पर बात करें, वहाँ पे कितना सुरक्षित है महिला? सबसे पहले तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं, आप अच्छे हैं और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपके साथ कोई गलत कुछ कर नहीं सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं। आपको लग रहा है कि आप गलत जगह जा रहे हो, लग भी रहा है फिर भी जा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। तो आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। जरा लाइट देना, पार्टा खाली आईडी है। कहना चाहेंगे राम दुलारी के बारे में? राम दुलारी बस खूबसूरत है भाई, और आज मुहूर्त है, उसके प्रोड्यूसर है राजू भाई जी, अच्छे इंसान हैं और हमारी जी से डायरेक्टर हैं जोड़ साहब, मैं पहले फोटोग्राफी में मैंने फिल्म कर लिया है और उन लोगों के लिए तहे दिल से मेरी शुक्रिया है कि फिल्म अच्छी बने, टाइटल अच्छी है और एक बुजुर्ग को नया दिशा मिले। मैंने स्क्रिप्ट सुना है, स्क्रिप्ट जबरदस्त कमाल का है।
मनोज जी किरदार किरदार की अगर बात करें, किस प्रकार का किरदार है आपका, अभिनाश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है इस किरदार को जीते हुए? किरदार जो हमारा इसमें है वो बहुत ही डिफरेंट है, टिपिकल है, ऐसा एक सूत्रधार है, इस फिल्म का सूत्रधार है जो कि गरीबों को, महिलाओं को, सताए हुए महिलाओं के साथ एहसास जो होता है उसकी सपोर्ट करता है, बट वो सामने खुल के नहीं आता है, एक मोमेंट पे आता है तो पता चलता है कि ये। जैसे पोस्टर देखा जाए दुलारी की बात करें तो क्या है ये राम दुलारी, कौन है और क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे राम दुलारी के बारे में? राम दुलारी को अगर रिवील कर देंगे तो मजा खत्म हो जाएगा। बहुत ही ट्रेजेडी है राम दुलारी में, और राम दुलारी की जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ड्रेस की बदला लेने के लिए वो इस फिल्म का वो जो उसका दिशा है। कैसे केमिस्ट्री रहने वाली राम दुलारी यानी अंजना जी के साथ आपकी? अंजना जी के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तीन फिल्में कर चुका हूँ साथ में, चौथी है। गिरीश जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर का हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं राम दुलारी को मदद करता हूँ, उसके साथ जो भी ट्रेजडी होती है मैं मदद करता हूँ, गाँव का मैं महान टाइप का कैरेक्टर है जो पूरे लोगों को संगठित मैं करता हूँ और संगठित करके विलेन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, एक इस ढंग का मेरा कैरेक्टर। कितना कितना मुश्किल है अभी तक तो नेगेटिव नहीं, मैंने काफ़ी फिल्में पॉजिटिव की, अभी मेरी फिल्म आ रही है कर्मयुग, एकदम पॉजिटिव है उस कैरेक्टर को देखिएगा। और इसके पहले मैंने एक सीरियल की थी जिस अंगराना होई बिटिया, जो महुआ पे आती थी, मेरी एक ऐसी सीरियल थी कि आपको जय जय शिवशंकर निगेटिव पे आती थी और जिस अंगराना होई बिटिया बेटी के लिए बाप करता था, ऐसे मेरी 15 तारीख को फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन जी के साथ, ग्रेट लीडर, मैं कॉमेडियन फुल कॉमेडियन जो कन्हैया लाल जी होता है। हाँ, मेरी फिल्म सैया बेदर्दी जो आती है महुआ पे, भरत कपूर विलेन है, बीरबल कॉमेडियन है, सतनाम कौर, इसलिए मैंने एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी समय दिया है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है मेरी पहली फिल्म 93 में आई थी चला सखी दुल्हा देखे, जो आज 24 साल हो गए, कुणाल सिंह जी हीरो मैं दुल्हा बना हूँ, मैंने हर कैरेक्टर को जिया, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है जैसा कि उन्होंने मुझे कहानी सुनाया, और कास्टिंग भी बहुत बेजोड़ है, सब लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, राजीव जी के साथ हमारे अपने डायरेक्टर मोटवानी जी के साथ, हमारे दर्शन जी मानसर जी के साथ द्वारा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, ये सभी लोगों से यही है, लोगों से मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस फिल्म को देखें। मनोज जी एक एक दिग्गज हस्ती बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रत्नाकर जी सर हम लोग के जमीन है, इस पे हम लोग आज खेल रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म का मुहूर्त है राम दुलारी, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे पूरी टीम को? मेरी तो यही शुभकामना है, सोनू अपना बच्चा है जो डायरेक्टर है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, ज़्यादा खून आ गया आ गया, मैं मेरी बदकिस्मती है कि मैं युवा मिल आइए आइए अंजना जी वेलकम, अंजना जी आ रही हैं, हम लोग खड़े होकर उनका स्वागत करें, आइए अंजना जी ये भी कर रही हैं जो पोस्टर में आप लोग देख रहे हैं, राम दुलारी जी आपके सामने खड़ी हैं जी। मैम क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? नया टाइटल आया राम दुलारी में, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, वैसे इंडस्ट्री की दुलारी हूँ अभी राम दुलारी में, तो काफी डिफरेंट और काफी अच्छा टाइटल लगा, स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और आज इस फिल्म का ये साइलेंस गाने के थ्रू हमारे हमारे डायरेक्टर साहब जी, आप डायरेक्टर हैं सुरेश भटवानी जी, राजू भाई जी एंड गोयल सर जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, और हमारे अविनाश जी हैं, और दोनों अविनाश साथ में हैं, मनोज जी गिरीश जी और आर्टिस्ट लोग, हेलो, सारी टीम हमारी है यहाँ पे, और आप लोग की ब्लेसिंग चाहते हैं, कुछ नया काम कुछ डिफरेंट करने की सोची है, तो सबका आशीर्वाद चाहिए हमें कि हमारी फिल्म की शुरुआत अच्छी हो, और हम कुछ अच्छा और कुछ अलग और कुछ एंटरटेनिंग अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी ऑडियंस के लिए लेके। डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे राम दुलारी टाइटल लिया है क्या है इसका मतलब? राम दुलारी
जी जी कंटिन्यू क्या रूल कंटिन्यू बोले सुनिए सर बोलिए आइए मैम अब बोलिए अब थोड़ा सा आगे आ जाइए राम दुलारी टाइटल में जितना जानूंगा बोलूंगा मैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन आएगा और एक डिफरेंट एक फीमेल ओरिएंटेड फीमेल का जो मुद्दा है वो आपके सामने आएगा बहुत अच्छे से नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपकी मूवी है भारतवर्ष में कई सारे मामले आ रहे हैं बलात्कार के बलात्कार जैसे संगीन मामलों को नारी सशक्तिकरण जैसे मामलों में कितना मुश्किल रहा है मैं इसका जवाब देता हूँ असल में ये जो कहानी बनी है ये कहानी सिर्फ बलात्कार से प्रेरित जो जैसे निर्भया कांड हुआ जैसे हमारे में किसी की रिपोर्ट का मुंबई में रेप हुआ वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहानी का ताना बाना बुना है राम दुलारी जो हमारी हीरोइन है इस कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ती है तो एक ऑथेंटिक सब्जेक्ट है उसी में अविनाश शाही का जो है हमारे पहली बार बहुत ही बेहतरीन एक्शन रोल कर रहे हैं इसमें मैं कहूँगा कि गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में कर रहे हैं ये स्टार्ट फिल्म में स्टार्ट इनसे होती है और एंड में बुजुर्ग बनकर बहुत बढ़िया मतलब अविनाश के लिए बहुत बढ़िया फिल्म है मैम तो बहुत काम करती रहती हैं लेकिन इनके लिए भी एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा ये फिल्म और हम लोग हो सकता है अच्छी बन गई तो हम अवार्ड के लिए भी जा सकते हैं अंजना जी क्या कहना चाहेंगे राम दुलारी बनकर एक नया मैसेज और एक नया लुक में आप आने वाली हैं जैसा कि बताया अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि हम लोग कुछ कुर्तियों के अगेंस्ट इस फिल्म को मेरा कैरेक्टर है जो मैं प्ले करूँगी सबसे सुनते आती हूँ सब सब बोलते हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बातों में महिलाओं को बट असल ज़िंदगी में देते नहीं हैं तो शायद हमारे फिल्म से वो कुछ लगे लोगों को कि सिर्फ भाषणों में ही नहीं इज्जत और एकता और एक समान नारियों को बोलना चाहिए बल्कि अपनी रियल लाइफ में उसको अपनाना भी चाहिए ये तो मेरा पर्सनल मेरी थॉट है मेरा पर्सनल और वैसे भी और इस फिल्म के थ्रू भी वो मैसेज आएगा कि सिर्फ बातों में ही और या किसी को राय देने के लिए ही मत कहें कि यार लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए आप खुद इज्जत पहले करना सीखें फिर किसी को राय दें अप्लाई होना चाहिए क्या किरदार है मैम इसमें आपका क्या किरदार है किरदार रोल क्या आपका फिल्म में बताया तो मैंने अभी जो भी दुष्व्यवहार हो रहे हैं रेप हो रहे हैं या गांव में बहुओं के साथ गलत हो रहा है खुद घर के लोग उनके साथ गलत करते हैं लेकिन वो किसी से बता नहीं सकती इज्जत और मान सम्मान की बात आ जाती है तो इस बेस पे आधारित ये फिल्म है जिनके अगेंस्ट जिनकी तरफ से मैं खड़ी होके गवर्नमेंट से और यहाँ के सिस्टम से फाइट करती हूँ ये राम दुलारी में आपको दिखाया जाएगा बेस action, हमारा ये action भी नहीं नहीं जो सुधरेगा नहीं उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मूवी है इसे आप किस स्तर पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और क्या आप इसे हरियाणा जैसे क्षेत्रों में रिलीज करेंगे जहाँ पे महिलाओं की सक्षमीकरण की सबसे ज़्यादा संख्या कोशिश कर सकते हैं हम लोग हरियाणा में डब कर रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं अभी कुछ कमिटमेंट मीडिया में हम कर नहीं सकते इस बीमारी को लागत कितनी होगी और ये फिल्म हम कब देख पाएंगे ये फिल्म हाँ जी है 70-75 लाख की फिल्म होगी एक्शन बहुत बढ़िया है इसमें कॉमेडी है बहुत बढ़िया और बढ़िया इमोशंस हैं और जो हमारा बेसिक मुद्दा है बलात्कार लोगों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे इसको लेकर के तो ये फिल्म हम लोग 99% दिवाली और होली पर रिलीज करने की हमारी तैयारी है मैम आप यूथ के लिए गाइडलाइन बन चुकी है ब्यूटी के क्षेत्र में हो लेकिन आपके संदेश को मैं जरूर सुनेंगे हमारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आजकल के मामलों में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट युवा ही निकलते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे एक लाइनर अगर आप दे दें तो वो अच्छा होगा मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा हम आज देख पा रहे और फील कर पा रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आज लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया अपने आप को सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कि उनका बस चले तो अपनी बहनों के साथ कभी गलत करके वीडियो बना के वो पोस्ट करते तो आपको सोशल मीडिया पे अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं आपको इतनी छूट दी गई है तो प्लीज़ उस पर बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें हैं नॉलेज हैं आप उनको गेन करिए ना कि ऐसे
स्पेशली हमारे जो इंटीरियर गांव हैं वहां पे आज की डेट में लोग नेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ही स्कूल की अपने ही कॉलेज की लड़कियों के वीडियोस बना बना के उनको इंसल्ट करके पोस्ट करते हैं और उनको लाइक्स मिलते हैं, उनको वाहवाही होती है। तो ऐसा नहीं करें, अगर आपको कुछ पोस्ट करना ही है तो उनकी अच्छी चीज़ों को पोस्ट करिए ताकि आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे यूथ से, सभी से, मेरे सारे फ्रेंड्स से कि आप सोशल मीडिया पर किसी को एटलीस्ट इस तरह से बदनाम ना करें। पुष्पा जी क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार का किरदार होगा इसमें और क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे इंटायर टीम को, किस प्रकार से आपकी शुभकामनाएं होंगी और किरदार है क्या इसमें आपका, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। अभी तक मैंने सुना है कि मैं माँ का ही रोल करती हूँ, माँ बनूंगी ही बनूंगी और ऐसी ब्रेव बेटी को जन्म दूंगी। मेरा तो खैर मैं क्योंकि आज की होकर भी थोड़ी पुरानी हूँ, इसलिए मेरे विचार मेरी भावनाएं अलग हैं। मैं सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर वो एक परिवार जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बचपन से ही उनको ये शिक्षा दी जाए कि तुम्हें गलत लोगों से कैसे फाइट करना, उन्हें डरा कर धमका कर, नहीं नहीं बेटा तुमको वहाँ नहीं जाना, नहीं नहीं वो लड़का खराब, नहीं तुम जाओ बट तुम अपने बल बूते को उनसे फाइट करो। हर माँ बाप को बचपन से लड़कियों को ये शिक्षा देनी चाहिए, उनके अंदर भय और डर नहीं पैदा करना। और जिस तरह से आप बच्चों को बेटों को पूरी आज़ादी दी जाती है, हाँ मेरा बेटा है क्या है उसके पीछे क्या तो क्या लड़का है लड़का नहीं, ये बातें अपने बेटों को आप मत बताइए। मैंने देखा है पंजाब के लोगों को, अरे हमारे यहाँ तो 10 साल में लड़का सब कुछ जान लेता, कौन सी खुबी की बात है, कौन सी अच्छी बात है कि आप सेक्स का नॉलेज इतने छोटे बच्चों को देती हैं और बड़े प्राउड से कहती हैं कि मेरा बेटा है, गया तो गया उसके पीछे हजारों लड़कियां घूमती हैं। जिस तरह आप बेटी को शिक्षा देती हूँ बेटे को भी बताइए कि बेटा ये गलत है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, सबको तुम्हें उचित सम्मान देना है और उनकी रक्षा करना है। अगर हर माँ बाप हर भाई बहन इस तरह की परिवेश में पले और इस तरह की शिक्षा उनको मिलेगी तो मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद काफ़ी कुछ सुधार आ जाएगा माहौल में और हर जगह जहाँ ये करप्शन और ये सारी बुराइयाँ फैली। इंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगा? इंटायर टीम डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, आपके मेरे ख्याल से अविनाश शाही पहली बार साथ आपके साथ और अंजना भी शायद पहले कर चुके हैं और ये तो ब्यूटी क्वीन रह चुकी है यूपी में, काफ़ी फेमस गर्ल है ये और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। अविनाश जी से हम मिले हैं लेकिन मेरे ख्याल से आपके साथ काम किया। पुष्पा जी, अंजना जी का कोई खामियां और खूबियां दोनों में से बयां करना हो तो क्या खामियां है और क्या खूबियां है? मैं पहले के खामियां बचपना है, बचपना इसके अंदर इमैच्योरिटी जो होती है वो है और कुछ नहीं, और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत एक ही खामी है इमैच्योरिटी। धीरे धीरे आ जाए, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं किसी को जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, किसी को थोड़ा देरी से आती है। डायरेक्टर साहब, फिल्म में गाने कितने हो गए और किस तरह के गाने जा रही है, कब कहां का सेट लगा हुआ है? आगे आ जाइए सर, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। एक जी 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 हाँ, इस फिल्म में 8 गाने हैं और 8वां ही अपने आप में एक हिट कहा जाएगा। अब जब सुनने में सबको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और इसकी पिक्चराइजेशन भी मैं बहुत अलग तरीके से करने वाला हूँ, डिफरेंट, डायरेक्टर यही डांस मास्टर सर। कब जा रही है फ्लोर पे, कब क्या प्लान है? 20 जनवरी के आसपास प्लान कर रहे हैं। कहाँ कहाँ लोकेशन जो करा? बदलापुर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बदलापुर ही करेंगे, मुंबई, बदलापुर पूरी मुंबई में ही है। ओके सर, थैंक यू, राइट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्लान किए बहुत अच्छे से, 5 मिनट एंड ये पिक्चर जो है मेरे हिसाब से जल्दी शूट होने वाली है और सब लोगों का जो है आशीर्वाद है और सब लीडिंग एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है इनसे और हमेशा अच्छा डिलीवरेबल मूवी आती है और कॉम्पिटिशन भी होता है और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है, मतलब पिक्चर जो है बहुत अच्छा रोल दिखता है इनका हमेशा, तो
हम लोग उम्मीद है कि ये पिक्चर जल्दी ही फ्लोर पे इमीडिएटली शूट पे शायद जाने वाले और बड़े धूमधाम से इसको रिलीज करने का प्लान जो है करेंगे। मुन्ना तो सर पहले हम अपने राजू जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। अंजना जी हमारे अभिनय साई जी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए और इस फिल्म में गाने तो अंजना जी के लिए मैं काफ़ी फिल्मों में लिखा हूँ लेकिन इस फिल्म में मैं चार गाने एंड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और इस फिल्म में कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा खुशी के बाद क्या हुआ कि नारी प्रधान पर इतनी अच्छी फिल्म बन रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम को। सोनी जी स्टार्ट कीजिए। मैं सोनी पटेल इस फिल्म राम दुलारी फिल्म के प्रोड्यूसर राजू गोयल जी को और डायरेक्टर सुनील कोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने औरतों को लेकर पिक्चर बनाने का सोचा और ये बहुत अच्छी पहल है। इसे सिर्फ बिजनेस माध्यम नहीं समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है उसको उजागर करने के लिए उन्होंने मतलब दिल से सामाजिक तौर से सोचा और मैं इसमें काम करूँगी। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं जो आज घटनाएं हो रही हैं उसे उजागर करने के माध्यम बनूंगी। मैं तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस फिल्म को और फिल्म बने सक्सेसफुल बने और समाज में एक छाप छोड़ दे तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म को। जीतू जी आप क्या कहना चाहोगे? जीतू जी थोड़ा आगे आ जाइए आगे आ जाइए। मुझे अच्छा लगा कि लेडीज प्रधान बन रही है फिल्म औरतों के लिए और विशेष करके अभी जो समाज में गंदगी चल रही है और इस गंदगी को निकालना है और भोजपुरी एक ऐसी माध्यम बन गई है हमारी फिल्म कि हम इसको बहुत सारा मेहनत करके निकाल रहे हैं और राजीव जी हमारे सुनील जी ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बस कामना देना चाहूँगा शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म बनाए और ऐसे समाज को सुधारें और बेटी बचाए और बेटी पढ़ाएँ। बस धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहिए? आगे आइए सेंटर में आइए। हाँ सर मैं साइना सिंह और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस फिल्म की मैं काम कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नारी प्रधान फिल्म बहुत कमी बनता है और ये बन रहा है और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और मैंने अंजना जी के साथ पहले भी फिल्म सेकेंड होगी है उनके साथ और मैं इस फिल्म की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भोजपुरिया चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले आर राजू गोयल जी को और सुनील मोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और राइटर अनिल विश्वकर्मा जी को इसलिए कि उन्होंने महिला प्रधान इस फिल्म को लिखा है जो कि आज समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए और एक पहल है और उस पहल में हमारा भाई हीरो है। मैं अविनाश शाही को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक ऐसी फिल्म का वो उसमें अभिनय करने जा रहा है जो कि महिलाओं के लिए एक संदेश समाज में जाएगा कि अविनाश शाही भी उस जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का डीओपी हूँ।
थैंक यू थैंक यू। और कोई है सर? पानी को मजबूरी चाहिए भाई, भाई बहुत ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं और सर आसान भी रहेगा शुरू से आते हैं। सर यहाँ सर सर यहाँ सर यहाँ पर हेलो सर यहाँ पे गोयल सर गोयल सर यहाँ यहाँ कैमरा थोड़ा पीछे ले लो। थैंक यू सर। हाँ पक्का सर, लाइट दिया ना मैंने, दम गोरे हो गया। फोटो मारा फोटो सर भाई सर सर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? राम दुलारी जो प्रोजेक्ट है हमारी गोयल फिल्म्स का और बहुत बहुत बधाई है हमारे राजू भाई को और श्री सुनील मोटवानी जी को। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है ये एक आज के 21st सेंचुरी का सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जो ये स्क्रिप्ट बनेगी ये बहुत नंबर वन होगी और ये जो फिल्म भी बनेगी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सब इस प्रोजेक्ट के लिए इनका साथ दें और हम सब इनके साथ ही हैं। और ये जो लेडीज़ के ऊपर जो बन रहा है जो स्क्रिप्ट राम दुलारी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट टुडे। मुन्ना जी आप कुछ करना चाहेंगे? हो गया ना उनका मुन्ना जी का हो गया। मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बाद आज के रिकॉर्डिंग? तो ये तुझे बधाई है और गोयल फिल्म्स को कि ऐसे सब्जेक्ट पे ये फिल्म बना रहे हैं। देखिए बदलना हम तो घर चाहते हैं कि हमारे फिल्म के माध्यम से या समाज बदले, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। जब खुद बदलेंगे तब जाकर समाज बदलेगा और जिस घर और देश में नारी का सम्मान होता है उसी देश और घर का उत्थान होता है। तो एंड एज ए गीतकार संगीतकार इस फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ और ये कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म को हमारे सारे दर्शक देखें सराहें और नारी जात का सम्मान करें। सुशील जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? नारी प्रधान पे बन गई इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। इस फिल्म में मैं पहली बार भोजपुरी सिनेमा से जुड़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं राजू गोयल जी फिल्म के प्रोड्यूसर निर्माता को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और इस फिल्म के निर्देशक सुनील मोटवानी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज के डेट में नारी प्रधान मनोज जी गिरीश जी हमारे गेस्ट लोग आगे पकड़ाना उसे क्या फोन बोलेगा आगे आगे जाना उसे आगे राम दुलारी जी राम दुलारी यूनिक एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है जो एक बोलिए आप थोड़ा सा आगे राम दुलारी टाइटल पर इतना जान बोलूँगा मैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन आएगा और एक डिफरेंट एक फीमेल ओरिएंटेड फीमेल का जो मुद्दा है वो आपके सामने आएगा बहुत अच्छे तरह। नारी सक्षमीकरण के ऊपर आपकी ये मूवी है, भारतवर्ष में कई सारे मामले आ रहे हैं बलात्कार का। मैं पूछना चाहूँगा कि जो फिल्म है किस तरह का गीत संगीत है और कैसा अनुभव रहा रिकॉर्डिंग के दौरान? हाँ सबसे पहले तो राम दुलारी ये टाइटल बहुत ही अच्छा है, एक अलग हटके है, भोजपुरी का जैसा होना चाहिए टाइटल। तो अगर भोजपुरी फिल्म है तो वर्ड से ही स्टार्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे ये भोजपुरी फिल्म बन रही है। दूसरी बात मेरी ओर से राम दुलारी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभी जो मैंने गाया जो अभी ये मुहूर्त सॉन्ग हुआ है बहुत ही मुझे मज़ा आया गा के कि बारातियों के लिए जो लड़की सबको कमेंट्स करती है अपनी सहेलियों के साथ ये मूड है गाने का।
और मुझे गा के सच में बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि इसके और सब जो गाने होंगे वो अलग हटके ही होंगे, बहुत ही अच्छे गाने होंगे। इंदु जी, वैसे तो हर क्षेत्र में महिला आजकल आगे हैं, मतलब खाली गीत संगीत की बात नहीं हो, कोई भी क्षेत्र में महिला आगे हैं, लेकिन आप देखें कि हाल ही में जो घटना हुई थी ज़हरा वसीम एक्ट्रेस के साथ प्लेन में, तो असुरक्षा की भावना आप क्या समझते हैं, अभी भी माहौल में मौजूद है, समाज में मौजूद है स्त्री को लेकर? क्या कहा जा, लोगों की मेंटालिटी है, किसी के मन में कौन से लोगों के मन में क्या चलता है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने देखा तो बुरा लगा। ऊपर से क्या होता है कि उल्टा फिर लड़की के ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि लड़कियां जानबूझ के कहीं जा रही हैं और वो कहेगी कि मुझे तुम छेड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मर्दों की सोच है, पता नहीं कुछ ऐसे तुच्छ मर्द होते हैं ना कि वो माँ बहन को समझते ही नहीं, सोचते कि वो एक बस एक चीज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी बदलाव की बहुत जरूरत है हमारे समाज में। आप भी काफी दिन से इंडस्ट्री में, तो आप बताइए कि इंडस्ट्री में कैसा माहौल है और किस तरह से आप? वैसे मैं देखिए इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं सिंगिंग लाइन में हूँ, मेरा काम होता है स्टूडियो आना, सिंगिंग करना, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाना और सबसे मिलजुल के चले जाना, और सब माहौल बहुत अच्छा होता है, माहौल खराब नहीं होता है, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा जो ऐसी जो परिस्थिति होती है किसी आम इंसान के साथ या किसी कलाकार के साथ, किस तरह से डील करना चाहिए, कैसे उस हालात को मतलब अपनी तरफ से पेश आना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ पे, या चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली? नहीं, चुप तो नहीं रहना चाहिए, हमेशा रिएक्ट करना चाहिए। मेरे साथ गलत होता है तो हम तो बोलेंगे ना, लेकिन उसको अगर हम पूरे समाज वाले अगर सपोर्ट करते हैं, हमारी सरकार अगर सपोर्ट करती है, अगर जिनके साथ गलत होता है तो मुझे लगता है कि गलत होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी गलत इसलिए होता है कि लोगों का मन का डर खत्म हो गया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होती है कड़ी, जिससे लोगों को सबक मिले। अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू।